कैसे हैं आप सब बहुत लंबे समय के बाद वोकेबरी कॉम्पोजिशन का लाइव बैच आया है और आपकी लगातार डिमांड थी इसके पहले आप ये भी इससे ही काम चला रहे थे तो मुझे ये भी लगा लिए 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 कि ये बिल्कुल सही समय भी है बिकॉज तो आपका सी सी में इनका का पेपर है और सारे एग्जाम लाइंड अप तो ये लाइव बैच आपके साथ है आवाज नहीं आ रही है आवाज में क्या दिक्कत है अभी भी साउंड प्रॉब्लम आ रही है आपको शुभम अंकुश अभी आवाज क्लियर है नाउ ओके okay. ये पहली क्लास में ही ना कुछ शुभ मुहूर्त होता है <laughs> चलो अभी क्लियर है आवाज रूपाली अंकुश प्रीति प्रथम मनीष अमन अमित अश्विनी गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग नहीं अश्विनी अभी क्लियर है ना आवाज चलिए इसके पहले कुछ सुनाई नहीं दिया था आपको गुड इवनिंग फ्रॉम प्रयाग प्रथम ओके ना ओके चलो भाई तो मैं आपसे यही कह रहा था कि बहुत लंबे समय के बाद ये लाइव बैच आया जनता की बेहद मांग पे राइट इसके पहले आप वी से काम चला रहे थे और अगर आपने वो वीडियो देखा है जो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बनाया था तो उसमें मैंने डिटेल्ड मैनर में ये समझाया है कि इस पर्टिकुलर बैच का क्या इंपॉर्टेंस है और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाता है तो वहाँ पर वो का को आप बेहतर होना और कॉम्प्रिहेंशन का जो हमारा एरिया है उस पर कमांड होना आपको एक अलग लीग में लेके जाता है आपको आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे एक अलग लेवल पे पहुंचाता है ठीक है सो गुड इवनिंग फ्रॉम बलिया प्रेमचंद जी एवरीथिंग चलो ठीक है अभी बाद में हलचल करेंगे आप कहाँ से हो सभी को बहुत नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए जुड़ने के लिए अब शुरुआत करते हैं आज की जो क्लास है हमारी मैं एक बार एजेंडा आज की क्लास का बता दूँ आपने पता नहीं मुझसे पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है मैं बिल्कुल ये मान के चलूंगा कि आप नहीं पढ़ें और बिल्कुल फ्रेश तरीके से हम देखेंगे क्योंकि हर एक बैच में ये होना भी चाहिए बिल्कुल बेसिक से बातें करेंगे इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपकी वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के क्या अप्रिहेंशन हैं क्या दिक्कतें हैं क्या प्रॉब्लम है राइट उनको किस तरीके से टैकल किया जाए मेरा इस बैच के अंदर क्या अप्रोच रहेगा आपको सिखाने के लिए कैसे हम इन एरियाज में मास्टरी करेंगे वो सारी बातें एक बार ये जो आपको बताना है कस्टमरी वो मैं बता दूं एक भाई बार बार पूछ रहे हैं कि ये बैंकिंग के लिए है क्या तो बिल्कुल है भाई शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा लेकिन मैं फिर भी एक बार क्विकली आपको समझा देता हूं देखिए सबसे अच्छा तरीका ये था जो सीजियल मेन्स का नया पैटर्न है उसके क्वेश्चन का ब्रेकअप था जो एक पेपर हुआ है दूसरा पेपर होगा डेफिनेटली तो अभी जो 45 फाइव क्वेश्चन हमारे पास हैं इंग्लिश सेक्शन के अंदर और हर एक क्वेश्चन तीन नंबर का हो चुका है तो अगर आप आंखें खोल के देख रहे हैं तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि पी क्यू आर एस इसका मतलब हमारा पैराजल्स पीछे पैराजल्स छ क्वेश्चन क्लोज टेस्ट चार क्वेश्चन और अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन बारह क्वेश्चन ये आपके पास बाईस हो गए टोटल और ये जो फिलर्स का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ये भी आपकी वोकैबलरी और कॉम्प्रिहेंशन की समझ के ऊपर होता है अब मैं अगर अभी आप पूछूंगा आपसे तो फिलर्स में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है खासतौर से जहां वोकेबलरी बेस्ड फिलर्स होते हैं तो उसका क्या साइंस है क्या मैकेनिज्म है ये सब देखेंगे हम तो इसको भी अगर चार को आप ऐड कर लो तो ट्वेंटी सिक्स हो गया यानी ट्वेंटी सिक्स आउट ऑफ फोर्टी फाइव अगर हम देखें तो ये सीधा सीधा आपकी कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है फिलर्स में ग्रामर का भी इस्तेमाल होता है लेकिन जैसे क्योंकि ये मेन्स की बात है ग्रामर बेस्ड फिलर्स जो है आपको वो एस के जो हमारे लोअर लेवल जैसे आप एम की बात करो सी की बात करो सी में भी मिल सकता है बट उनका वेटेज कम होता है प्री में मिल जाएगा शायद मेन्स में उनकी संख्या कम हो या जब पुराना पैटर्न था 200 क्वेश्चन वाला तो उसमें भी क्लोज टेस्ट के अगर पांच सेट हैं तो शायद दो सेट ऐसे होते थे जो ग्रामर बेस्ड होते थे मतलब जिसमें एडजेक्टिव आ गया या दिस दैट दीज दो यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स एग्जेक्टिव uh, प्रपोजिशन इनका इस्तेमाल करके फ्रेजल वर्ब्स आपको फिलर्स या क्लोज टेस्ट मिलते थे अब जब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुए हैं तो डेफिनेटली वेट इज वोकेब्लरी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ ज्यादा होगा और क्योंकि फिलर का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैक से तो आपको जो सेंटेंस दिया गया है आपको रीड करना पड़ेगा और कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा यानी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तब तो आप कॉन्टेक्स्ट कॉनोटेशन डिग्री ये सब टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वोबलरी के उनको समझ पाएंगे और उसके आधार पर करेक्ट ऑप्शन पर पहुंचेंगे तो ये हाल हुआ कॉम्प्रिहेंशन का अब अगर वोकैबलरी देखने जाओ तो देखो वाली बात नहीं, है। आपको पता होगा, पता होगा, नहीं पता होगा नहीं पता होगा जो टोटली totally टेक्निकल है वो आपका वन वर्ड सब्सिट्यूशन स्पेलिंग सारे एरिया हम पी आर एस मैथड जो है वोकेबलरी के डेवलपमेंट का जिसको हम रूट मैथड कहते हैं उसके जरिए आपके ये ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं वन वर्ड सब्सिट्यूशनिम भी काफी हद तक बिकॉज एस एस सी का एक पैटर्न रहा है और जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो हमारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनमें किस तरह का अप्रोच रहा है वो हमें समझना पड़ता है तो एस एस सी के कुछ फेवरेट रूट वर्ड्स हैं पन, दस पंद्रह के करीब जिसमें घुमा फिरा करके आप देखें पिछले दस बारह साल के पेपर आप उठा के देख लें तो आपको 80 से 90 परसेंट क्वेश्चन उन्हीं 10, 12, 15 रूट वर्ड के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है इसीलिए मेरे जो पुराने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं उनका यह कहना होता है कि सर आपके करने के बाद अगर हम 10 साल का पेपर उठा रहे हैं और आपसे पूरी वोकेबलरी करी है उसका साइंस समझाए मैं रटवाता बिल्कुल नहीं याद नहीं करवाता कोई चीज लेकिन सब चीजें आपको याद रहती जरूर है बिकॉज वी डिवेलप साइंटिफिक अप्रोच ऑफ लर्निंग वोकेबलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन तो उनका यही कहना होता है सर नाइन्टी क्वेश्चन तो अब वैसे हो जाते हैं और वो एक बहुत बड़ा सक्सेस रेट है क्योंकि आप एक अप्रोच को पकड़ के अगर 90 तक सक्सेस रेट लेके आ सकते हैं अपना तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है तो ये सारे क्वेश्चन टाइप्स काफी हद तक उससे डील हो जाते हैं बात रही होमोनीम की मैंने इंट्रो वीडियो में आप देखेंगे सबसे पहले जब करियर वेलैब पे मैं बोकेब्लरी कॉम्प्रेंशन बैच लेके आया था तो उसका भी पोस्टर मैंने लगाया था क्योंकि वो यादों वाली बात है दो में लेके आया था और उस समय भी मैंने होमोनीम्स बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे अपने उस बोकैबलरी स्पेशल बैच के अंदर एस ने तो अब सिलेबस के अंदर वो नया इंट्रोडक्शन किया है जब पिछले साल उन्होंने सितंबर के महीने में अपना नया सिलेबस वो लेके आए ये जो क्वेश्चन टाइप है होमोनीम ये एक्चुअली बैंक के अंदर पूछा जाता रहा है तो मेरा ये जो वोकेबरी कॉम्प्रिहेंशन का बैच होता है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एस के लिए आप एस की तैयारी कर रहे हो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की कर रहे हो बिकॉज सिविल सर्विसेज आप जानते हैं सी सैट में इंग्लिश सेक्शन के अंदर छोटे छोटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज ही आते हैं सी सेट का क्या हाल होता है यूपीएससी के रिजल्ट्स में आपको पता है कि कितने लोग सी सेट देते हैं और फिर मेंस लिखने के लिए कितने लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोग सी सैट क्लियर नहीं कर पाते उसमें रीजन यही है कि एक छोटा सा पैराग्राफ है उनके पास और उस पैराग्राफ को पढ़ना है समझना है और उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन बेस्ड होता है या जनरली एक या दो हार्डली और पैराग्राफ की लेंथ भी छोटी है बट स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू रीड दैट एंड कॉम्प्रीहेंड दैट उसको समझ नहीं पाते वो और फिर क्या कहना है उनको समझ में उसमें आंसर नहीं कर पाते तो मैं अभी चाहूंगा कि थोड़ा सा ना आप कॉमेंट रोक पाए बिकॉज मैं कैमरे को देख के बोल रहा हूं आप जब यहां पे कमेंट करेंगे मैं देख नहीं पाऊंगा तो फिर नीचे चला जाएगा तो अभी ध्यान से सुनिए आई विल गिव यू कंप्लीट टाइम टू आस्क मी थिंग्स राइट ये पहली क्लास इसीलिए होती है कि पूरा डिटेल आपको पता लग जाए तो ये भी हमें नजर आ रहा है साफ साफ कि भाई दस नंबर ये भी है तो छब्बीस में दस जोड़ लो तो कितने हो जाते हैं थर्टी सिक्स आउट ऑफ फोर्टी यानी जो आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे पैंतालीस क्वेश्चन में से छत्तीस के करीब क्वेश्चन जो पिछला पेपर हुआ वो पैटर्न हमें यहाँ पे दिखा रहा है तो ये वेटेज है इस एरिया का और इसमें हम डेफिनेटली सारे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन सब कुछ सीखोगे आप और उसके साथ एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस भी करोगे तो ये तो इंपॉर्टेंस हो गई इस बैच की और दूसरी बात आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप सिविल सर्विसेज दे रहे हो कुछ लोग टीचिंग एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं डेफिनेटली द लेवल ऑफ टीचिंग एग्जाम्स इज नॉट दैट हाई इवन राइट अभी मैं पीछे इंटरव्यू पैनल में भी था जब के का रिजल्ट आया था तो उसका लेवल उतना हाई नहीं होता है राइट right? वो आप आसानी से टैकल कर पाओगे यहाँ पे मैं लोअर लेवल से लेकर के आपको जो आखिरी लेवल होता है हर टॉपिक के अंदर वो एक्चुअली एस बी से लेकर के कैट लेवल तक पहुँचता है तो अब जैसे मैं पैरासम्बल्स भी करा रहा हूँ तो वो शुरुआत होगी बिल्कुल एस वाले लेवल से के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में करेंगे ही लेकिन जब क्लास आगे बढ़ेगी तो वो सीधा सीधा एस बी आई पी ओ और कैट के लेवल तक जाएगा तो ये हर एक टॉपिक के अंदर होगा चाहे वो फिलर्स की बात है शुरुआत बिल्कुल, बिल्कुल आखिरी लेवल तक एस बी आई पी ओ और कैट के लेवल तक और जब आप मेरे साथ नीचे लेवल से लेके मतलब बिल्कुल बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस तक पहुंच जाओगे तो देखो जितनी लेवल तक करा जाऊंगा उतने लेवल तक एग्जाम आपको नहीं देना लेकिन क्योंकि अच्छे क्वेश्चन को करने की समझ आपको डेवलप हो जाएगी तो जो एग्जाम्स आपको देने हैं वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा तो ये इस पर्टिकुलर बैच का बेनिफिट आपको मिलने वाला है अब मैं थोड़ी सी चर्चा कोर्स स्ट्रक्चर की आपको फटाफट कर लेता हूं यहां पे। देखिए वो कैब डेवेलपमेंट के अंदर जैसे मैंने बात की सबसे पहले वो कैब के अंदर जो रूट वर्ड्स हैं जो मैंने आपको कहा कि वो जो हमारे पास टेन टू फिफ्टीन रूट वर्ड्स हैं जिनके ऊपर जैसे आपको पता भी है प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखें सीआईडी किलिंग बार बार पूछते हैं वो पिलो फाइल फिलो का अपोजिट मिजो फाइल का अपोजिट फोब ये पैटर्न उनका चल रहा होता है आ, उसके बाद आपके पास बेनी और मैला है बेनोवलेंट मेलो वलेंट बोनाफाइड मैलाफाइड बेनीडिक्शन मैले डिक्शन सो so, देर आर सर्टन पैटर्न वी ओ आर है खाने के लिए ये खाने वाले जीव को एक शब्द में क्या कहेंगे राइट आ, तो ये वी ओ आर आपको बहुत पूछा जाता है वी आर एस वी आर टी जो है टर्निंग के लिए इनमें कन्फ्यूजन होती है वी आर रूट वर्ड है फिर बोलने के लिए लोका लॉग है तो मैं अभी आपको ऐसे रैंडम समझा रहा हूं वही चीज हम यहां पे करेंगे तो जो हमारे रूट वर्ड्स हैं कौन से मोस्ट रिपीटेड जो बार बार रिपीट होते हैं सबसे पहले उनको डिटेल्ड मैनर में करेंगे और उसके बाद में आपको एल्फाबेटिकल ऑर्डर में मतलब ए से लेकर के जेड तक क्योंकि बहुत सारे प्रेफिक्स आते हैं उसमें प्रिफिक्स भी हैं रूट्स भी हैं सफिक्स भी हैं तो वो सभी की लिस्ट अल्फाबेटिकल में भी दे दूंगा लेकिन जो पेपर के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है हमारे उनका डिटेल डिस्कशन एक एक वर्ड की समझ यहां पे हम लेके जाएंगे और साथ ही साथ उसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे सो so दैट कि आप ये रिलेट कर पाओगे जो मैंने पढ़ा देखो उससे सीधा क्वेश्चन पिछले सालों में आया हुआ है तो एक कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा राइट तो वो कैब के अंदर रूट वर्ड्स का मेथड है दूसरा आपके पास जो ग्रुप मेथड है यानी शब्दों को अगर हम ग्रुप में लर्न करें अब जैसे मैं अभी आपका जस्ट पहले बैच में पूछ रहा था ये शब्द अभी बिल्कुल ध्यान में है आप में से कितने लोगों को सेंसुअल और सेंसुअस का फर्क पता है सेंसुअल और सेंसुअस का फर्क पता है अगर मैं ये आपसे पूछूं ये ऐसी कैटेगरी जिसमें हमें लगता है कि हमें वर्ड आता है लेकिन आता नहीं शायद डिफरेंस नहीं पता होता या मैं अगर ये पूछूं आपसे कि भाई डिस्क्रिमिनेटरी और डिस्क्रिमिनेटिंग में क्या फर्क है तो लग रहा होता है यार शायद आता तो है लेकिन अगर मैं अभी आपको एक सेंटेंस दे दूं और उसमें से चूज करके आपको एक वर्ड लिखना हो तो शायद वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए तो इस कैटेगरी को हम कहते हैं होमो ये आपके पैरोम्स हैं जहां पे बेस वर्ड सेम होता है बट उससे बनने वाले जो शब्द हैं उनकी स्पेलिंग बदलती है इवन ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी सेम होता है अब जैसे ये दोनों के दोनों शब्द एडजेक्टिव हैं ये दोनों के दोनों शब्द आपके एडजेक्टिव हैं आपको ये भी पता है कि ये शब्द डिस्क्रिमिनेट से पैदा हो रहा है ये शब्द सेंस से पैदा हो रहा है फीलिंग भी आ रही आता है लेकिन नहीं आता है अगर अभी क्वेश्चन दिया जाए तो 90 परसेंट एटी परसेंट पीपल वो गलती कर रहे होंगे इसको तो जब हम वु को डेवलप करने की बात करते हैं ना या याद रखने की बात करते हैं तो हमें ये साइकी समझनी होती है कि कोई भी चीज हमें याद रहती कैसे वो याद रहती है एसोसिएशन और कनेक्शन के जरिए यानी हमारा दिमाग दिल दिमाग जब किसी चीज के साथ कोई एसोसिएशन और कनेक्शन बिल्ड कर पाता है देन वी कैन रिमेंबर दैट थिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वेरी लेम एग्जाम्पल इज वॉट लाइक वॉट एवर हैपन इन आवर चाइल्ड हुड वी स्टिल रिमेंबर दैट हो सकता है वो दस पंद्रह साल पुरानी हुई घटना हो बट स्टिल उसकी बड़ी इमेज तरोताज़ा होती है बट वॉट हैपन इन द लास्ट क्लास वो हम अपने स्कूल और कॉलेज में पड़ोसी से पूछ रहे होते हैं कि कल क्या कराया था तो इसका मतलब क्या है कि मेमरी के अंदर इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग अगर टाइमिंग का रोल होता तो शायद बारह पंद्रह साल पुरानी बात भूल जाती लेकिन वो बचपन की यादें वो सब कुछ घूमना फिरना और ये वाली बर्थडे मनाया था नाना जी के साथ गया था वी हैव विविड मेमोरीज ऑफ दैट और चेहरे पर चमक आ जाएगी शायद अगर हम उसके बारे में बात करें बट कल की क्लास में क्या हुआ वो भूल जाता है अभी करियर वे लैब पे छोटा सा क्लिप भी पड़ा है फोर्टी सेकेंड का उसमें मैंने वही बात कही है जब आपकी कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट रहेगी उस काम के अंदर तभी आप उसमें एसोसिएटेड फील करेंगे अगर हम वोकेबलरी को समझें कि नहीं दस वर्ड मैं रट लूं सुबह तो शाम तक तो भूल ही जाता है वो और ये कोई नई बात नहीं है बचपन से कह रहे हैं कि बेटा नया साल शुरू हुआ है रोज दस वर्ड लिखो साल में छत्तीस सौ हो जाएंगे एक महीने में तीन सौ हो जाएंगे वो नहीं हुए इवन जो आते थे पुराने उन्हीं से काम चला रहे हैं और वो भी काफी हद तक खराब हो चुके हैं उनके हालात तो इसका मतलब कि हमें कोई ना कोई मैकेनिज्म तो डेवलप करना पड़ेगा ना कि शब्द हमें याद रह पाए और हम यहां वो क्या पंडित बनने नहीं आए हमारा एजेंडा बहुत साफ है कि द काइंड ऑफ पेपर वी आर गोइंग टू राइट उस पेपर्स में जो शब्द आए हम कम से कम उनके सही ऑप्शन तक पहुंच पाए इंटेलिजेंट गेस वर्क कर पाए ज नो बडीज आस्किंग विदी मीनिंग ऑफ एनी ऑफ दीज वर्ड इन एनी ऑफ दीज एक्स कोई आपसे हिंदी अर्थ नहीं पूछता इन शब्दों का और न तो कोई यह कहता है कि राइट डाउन फोर सिनानिम ऑफ दिस गिवेन वर्ड और हम करते यही है हम शब्द की हिंदी मीनिंग रट रहे हैं और सिनानिम की लिस्ट रट रहे हैं इसके पर्यावची स्कूल में थोड़ी है नो बडीज आस्किंग ऑल दीज थिंग्स इवन इफ दे आर आस्किंग सीनानिम चार में से एक पूछ रहे होते हैं वट इज द क्लोजेस्ट सिनानिम ऑफ दिस गिवेन वर्ड और अभी तो नए पैटर्न के अंदर एस एस सी में भी थोड़ा थोड़ा बैंग का असर दिख रहा है और उस समय का कि एक वर्ड दिया गया सेंटेंस में दिया गया है ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड करेक्ट आउट ऑफ गिवन फोर ऑप्शन तो रटने वाला ज्ञान नहीं चाहिए समझ चाहिए कॉम्प्रिहेंशन चाहिए अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं आपको एग्जाम ये चेक कर रहा है रटा हुआ ज्ञान नहीं चेक कर रहा थोड़ा जो पैटर्न में बदलाव हुआ है वो इसी तरफ है तो कैब को दिमाग में रखने के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो वर्ड मेथड है हमारा ये आपके तीन क्वेश्चन टाइप में मदद करता है कौन कौन से उसकी चर्चा हमने कर ली ओडब्ल्यू एसनीम एंटनीम और स्पेलिंग में आपने पढ़ा है वो डब्ल्यू ये वर्ड मेथड नहीं पढ़ा है कल देखेंगे हम क्लास में ये तीनों तरीकों से मदद करता है और जो ग्रुप वाला मैथड जैसे हमारे कुछ अभी भाई यहां पे डी ट्रिपल एस बी की बात कर रहे थे की बात कर रहे थे या आप बैंकिंग एस्पेरेंट है मैनेजमेंट का एग्जाम आपने राइट करना है तो आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कंफ्यूजिंग बेस्ड वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें तो अब उसमें आपके पास ग्रुप के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा जैसे मैंने यहां पे जो दोनों वर्ड लिखे थे ये किस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते थे ये पेरोम्स है इसी तरीके से हमारे पास आता है होमोफोन्स ये पैरोम्स है इसी तरह से एक और ग्रुप है हमारे पास होमोफोन्स और इन ग्रुप्स के अंदर सैकड़ों शब्द हैं और ग्रुप मेथड कैसे मदद करेगा हमें बिकॉज हम कोई भी ग्रुप बनाते तभी हैं जब उस ग्रुप के मेंबर्स के बीच में कोई कॉमोनैलिटी हो तभी तो आप किसी ग्रुप में एक मेंबर्स को डालोगे अब वो कॉमनैलिटी हमारे दिमाग को कनेक्शन देती है एसोसिएशन देती है जैसे रूट वर्ड में एक रूट है एक जड़ है और उसी से ब्रांचेज और सब ब्रांचेज निकल रही है प्रिफिक्स अफिक्स लगा करके आप नए वर्ड्स बनाते चले जा रहे हैं और आपको अगर रूट का मतलब पता है तो उससे बनने वाले शब्दों के मतलब का सही अंदाजा आप लगा पाएंगे पेपर में इंटेलिजेंट गेस वर्क करना है हमें चार ऑप्शंस में से तीन जो गलत हैं उन्हें एलिमिनेट करना है सही पे अपने आप पहुंच जाओगे तो वही कहानी यहां पे भी है कि अगर मैं रैंडम मान लो सेंशुअल को याद करूं तो शाम तक भूल जाएगा लेकिन अगर सेंसुअस और सेंसुअल को एक साथ दिमाग में रखू मैं अगर इस तरह का सेंटेंस बनाऊं कि द सेंसुअस नोट ऑफ सितार वॉज एप्सोल्यूटली मेसमराइजिंग तो सेंसुअस नोट ऑफ सितार मैंने बोला है सेंसुअस का मतलब कोई भी चीज जो हमारे सेंस ऑर्गन को प्लीजिंग लगे अच्छी लगे अब sense, हमारे सेंस ऑर्गन कितने है? पांच हैं, ज्ञानेन्द्रियां तो उन पांचों ज्ञानेन्द्रियों से अब कान भी है भाई कानों को अच्छा लग रहा है कोई बढ़िया सितार बजा रहा है गिटार बजा रहा है कानों को बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं नोट ऑफ सितार भाई जो उसके तार हैं आवाज है सेंसुअस नोट ऑफ सितार बट वहीं परफॉर्मेंस अब जैसे किसी फिल्म के अंदर कोई आइटम सॉन्ग है तो वो आइटम सॉन्ग किससे भरा होता है वो सेंसुअलिटी से भरा होता है सेंसुअल परफॉर्मेंस है तो सेंसुअल का मतलब एनीथिंग दैट इज सेक्सुअली अराउजिंग क्योंकि बहुत सारे लोग सेंसुअस को ही सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में यूज कर लेते हैं तो सेंसुअलिटी हैज टू डू विद द सेक्सुअलिटी इफ एनीथिंग इज सेक्सुअली अराउजिंग कोई चीज अगर सेक्सुअली आकर्षक है तो उसको सेंसुअल कहा जाएगा यानी इस वर्ड का स्कोप नैरो है जबकि सेंसुअस का स्कोप ब्रॉड है आपके आंखों को अच्छा भी लग जाए कानों को भी अच्छा लग जाए फील करने में अच्छा लग रहा है तो भी सेंसुअस लगा सकते हो सेंसुअस शब्द का सीधा लेना देना सेक्सुअलिटी के साथ नहीं है उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी और डिस्क्रिमिनेटिंग दोनों शब्द डिस्क्रिमिनेट करने से आते हैं सबको पता है डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब भेदभाव करना बट डिस्क्रिमिनेटरी जो शब्द है इसका टिंज नेगेटिव है ये नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है जिसका मतलब होता है भेदभावपूर्ण डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसज जबकि डिस्क्रिमिनेटिंग इज़ अ पॉजिटिव वर्ड जिसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटिंग अबिलिटी यानी जिस इंसान के पास अच्छी डिस्क्रिशन अबिलिटी है वो चीज़ों को अलग अलग करके एनालाइज करने की समझ रखता है जैसे आपको यहाँ पे आज पहली क्लास में वो समझ दी जा रही है ऐसा नहीं कि बस आओ वर्ड पढ़ते हैं आज तीस वर्ड कर लेंगे वो वाला काम नहीं वो तो कर ही रहे हैं हो तो नहीं रहा आप सबके पास वोकेबलरी की किताबें हैं सबके पास भरपूर ज्ञान है सबके पास यूट्यूब वीडियोज हैं बट एवरीथिंग होने के बावजूद क्या हालात हैं वो हमें पता है तो जब आप एक एप्टीट्यूड टेस्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां एक एनालिटिकल माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूं और जो एग्जाम पूछ रहा है क्या दोनों में लिंक है या नहीं सिंक है या नहीं तो पढ़ाई ऐसे करो कि पेपर में फायदा हो और साथ ही साथ वोकैब भी बेहतर हो तो पी आर मेथड से एस वाले भाई बंधुओं को बहुत फायदा होता है कंफ्यूजिंग वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आपके यहां नहीं पूछे जाते हैं अभी लेकिन अगर वोकैबुलरी अच्छी रहेगी तो नुकसान तो होगा नहीं हो सकता है उस तरीके से सीखने से किसी फिलर या क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन में फायदा हो जाए हो सकता है वहां ही दे दें वो किसी क्लोज टेस्ट के पैसेज पैसे लग्जूरियस का तो पता है फुल ऑफ लग्जरी लेकिन लग्जूरियंट का ना पता हो लेकिन अगर मैं लग्जूरियंट लग्जूरियस के सहारे अपने दिमाग में दाट डालूंगा तो वो लंबे समय तक रह जाएगा अब लग्जूरियस होटल्स लग्जूरियस कार्स सभी को पता है फुल ऑफ ऐशो आराम फुल ऑफ लग्जरी लेकिन लग्जूरियंट का मतलब होता है हाईली फर्टाइल हाईली प्रोडक्टिव दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड लग्जूरियंट लग्जूरियंट हेयर लग्जूरियंट ग्रास अभी जैसे बरसात का मौसम है तो हरियाली बहुत है लश वेजिटेशन जिसे कहते हैं दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लग्जूरियट जहां खूब उर्वरता हो फर्टिलिटी हो प्रोडक्टिविटी हो उसको लग्जूरियंट कहा जाता है तो लग्जूरियस और लग्जूरियट ये भी दोनों शब्द किस कैटेगरी से आए पैरो से आए एक ही बेस वर्ड से पैदा हुए तो इस तरह की जो ग्रुपिंग्स है ना वो सैकड़ों हैं हमारे पास और इससे भी वोकैब डेवलप होती है और हमारे जो मैनेजमेंट के एग्जाम्स हैं बैंक्स के एग्जाम्स हैं या जैसे डी ट्रिपल एस बी के वी एस टीचिंग वाले भी जो एग्जाम्स हैं इनमें भी कंफ्यूजिंग वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इन दोनों तरीकों से डेवलप भी करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे और चीजों को सीखेंगे उसके बाद जो आपके पास लिखा हुआ था यहाँ पे नेक्स्ट क्स इनटेनिंग ओडब्ल्यू एस अंडरस्टूड है जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब जब हम रूट वर्ड करेंगे तो साथ ही साथ एवरी डे अगर हम वर्ड कर रहे हैं तो उसके साथ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे सो दैट वी कुड रिलेट कि आज हमने जो रूट वर्ड किया है उसके ऊपर प्रीवियस ईयर में कहा से क्वेश्चन पूछे गए हैं फिर बारी आती है इडियम्स एंड फ्रेजेस की डेफिनेटली मैं जैसे मैंने कहा कि ये फिक्स वोकेबरी है दो नंबर का यहां पे दिख रहा है आपको बैंक में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं तो इसका सबसे बेहतर तरीका है क्लास में तो लिमिटेशन है

सेंटेंस के अंदर पूछा जाता है जैसे बैंक के पेपर्स में अलग अलग तरीकों से के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कोई ईडीएम दे दिया जाएगा सेंटेंस के अंदर फिर उसकी मीनिंग पूछ लेंगे कई बार कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए नीचे दिए गए ईडीएम में से कौन सा ईडियम वहां सही होगा सो देर आर लॉट्स ऑफ परमिटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल वो हर तरह का मैं यहां पे आपको प्रैक्टिस करा दूंगा उसके बाद बात आती है जैसे होमोफोन्स पैरोम्स होमोनिम्स इनकी मैंने बात कर ली ये जो होमोनिम्स था जो मैं अपने बैचेस के अंदर तो कराता हूँ एक ही क्वेश्चन आया भी था क्या सीजियल मेन्स में ये नया एडिशन था ये बहुत प्यारी कैटेगरी है अगर आपको पता है नहीं पता है आई डोंट नो पता कर लेते हैं फटाफट परिचय दे दूँ आपको कम से कम इसका देखो होमोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं ना जहाँ पे एक ही वर्ड है एक ही स्पेलिंग है बट मल्टीपल मीनिंग्स हैं उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं अब हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हमें एक शब्द का एक ही मतलब पता होता है जैसे कुछ बहुत बेसिक एग्जांपल्स मैं लगभग हर क्लास में ही ले, ले लेता हूं क्योंकि वो जनरली लोगों को पता भी है अब लैटिट्यूड आप सभी को पता है लैट लॉन्ग्स कोऑर्डिनेट्स राइट अक्षांश रेखाएं ऑफ ऑफ यू इज अवेयर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड जो ये वाला मीनिंग है बट लैटिट्यूड का जो एक और मतलब है लाइक इफ आई हैव गिवन यू कंप्लीट लैटिट्यूड ऑफ डूइंग समथिंग यहां पे लैटिट्यूड का मतलब हो गया किसी को पूरी तरीके से फ्रीडम देना छूट देना कि वो अपने हिसाब से कोई काम कर सके या सोच सके या डिसीजन ले सके मीनिंग ऑफ द वर्ड लैटिट्यूड बट एग्जामिनर को भी पता होगा ना कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट आर नॉट अवेयर अबाउट रेखाएं सभी को पता है बट गिविंग कम को पता होगा ये उनको भी पता है ठीक है तो आपको मान लो कोई फिलर का क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है या होमोनिम बेस्ड क्वेश्चन है अब होमोनिम्स में क्या होता है कि एक वर्ड का इस्तेमाल करके वो चार सेंटेंस बनाते हैं आपको पूछेंगे इन चारों में से कौन से एक सेंटेंस में इस वर्ड का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है यानी जब आपको उस वर्ड के चार अलग अलग तरह के इस्तेमाल होंगे तब तो आप चूज कर पाओगे अब मान लो आपको लेटिट्यूड का ये मतलब पता ही नहीं है कि लेटीट्यूड का मतलब किसी को पूरी तरीके से छूट देना होता है तो आप तो उसको गलत कराओगे जबकि है वो सही तो अब आपका पेपर थोड़ा सा लेवल अप कर रहा है एस वाला भी पेपर जैसे मैंने कहा कि मैं तो 2019 से वो कैब स्पेशल से करा रहा हूँ मैनेजमेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं वो एस एस सी डिफिकल्टी लेवल में लोवेस्ट लेवल आता है इसके ऊपर ही आई बी पी एस फिर एस बी आई और फिर कैट जेट आई एफ टी आते हैं तो उन एग्जाम से हमेशा पूछते हैं कि वो चेक करना चाहते हैं कि जो पेपर देने वाला है उसकी अंग्रेजी की समझ कितनी बृहद है एक शब्द के कितने तरह के इस्तेमाल उसको पता है कितना पढ़ता लिखता है वो और इंग्लिश में ये बहुत है वन वर्ड कैन बी यूज इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स राइट अब इसी तरीके का एक और शब्द जो मैं क्लास में भी डिस्कस करता हूँ वो फाउंडर है अब फाउंडर का मतलब संस्थापक होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करे सबको पता है यहां फाउंडर डेफिनेटली नाउन है संस्थापक हु इज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बट फाउंडर इज ऑल्सो अ वर्ब और वहां पे फाउंडर का मतलब होता है फेल करना या कोई नाव जो है उसमें बोट के अंदर पानी भर जाए और उसका डूब जाना किसी इंसान का असफल हो जाना यह भी इस फाउंडर का मतलब है और वो वर्ब के तौर पे मतलब है बोट फाउंडर्ड तो अब आप सोचो यार ये क्या हो गया फाउंडर तो हमने बचपन से संस्थापक पढ़ा था यह क्या हो गया या कोई इंसान फाउंडर कर गया तो इसका मतलब कि वो अपने प्रयासों में असफल हो गया वो इंसान डूब गया वैसे भी रिलेट कर सकते हो तो आप तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वोकैबलरी एंड ये लेवल टू की वोकैबलरी है जहां पे आपकी थोड़ी टेस्टिंग बढ़ जाती है तो इसी तरीके से आपने प्रोनाउन में भी जरूर पढ़ा होगा कि ये हमारे पास शब्द आता है कौन सा आ, दोनों शब्द हैं रिजाइन रिजाइन अब रिजाएन का मतलब त्याग पत्र देना है लेकिन आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि रिजाइन के साथ हम जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है किसी के आगे सरेंडर कर देना लाइक ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू द डिमांड ऑफ द एक्सटॉर्शनिस्ट तो रिजाइंड हिमसेल्फ का मतलब उसने एक्सटॉर्शनिस्ट के डिमांड के आगे सरेंडर कर दिया कि भैया तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में इतना पैसा ले आओ तभी छोड़ेंगे और उसके डिमांड के आगे पिताजी ने सरेंडर कर दिया ही रिजाइंड हिमसेल्फ वहां रिजाइन का मतलब त्यागपत्र देना नहीं है कि आप प्रोनाउन में पढ़ते हैं जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लेकिन जो नहीं शायद कॉम्पिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला है उसको तो रिजाइन का मतलब त्यागपत्र देना पता होता है कि त्यागपत्र दे दिया रिजाइन कर दिया इसी तरीके से हमारे पास जो ये शब्द आता है अक्विट अब अक्विट का मतलब बरी कर देना कोर्ट ने किसी को बरी कर दिया अक्विट कर दिया आरोपों से मुक्त कर दिया एक्जोनरेट कर दिया एब्सोल्व कर दिया ये सारा मीनिंग सबको पता है कोर्ट ने किसी को बरी कर दिया लेकिन अक्विट का मतलब टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू जो कि रिफ्लेक्सिव बनाउन वाला कॉन्सेप्ट है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अक्विटेड हिमसेल्फ इन द सर्विस ऑफ कॉमन मैन इन द ट्राइंग टाइम्स ऑफ कोविड नाइनटीन सो इसका मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए एक नौकरशाह होने के नाते एक ब्यूरोक्रेट होने के नाते उसी तरीके से उन्होंने अपनी सेवाएं दी दिस इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड अक्विट बट अगेन समन नॉट द स्पिरिट ऑफ दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या जो एक डेडिकेटेड uh, स्टूडेंट नहीं है जो ढंग से नहीं पढ़ता जो ऊपर ऊपर पढ़ता है वो शायद रट के आ जाए कि अक्विट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है आंख बंद करके अरे भैया जब लगता तब है जब उसका ये मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बरी कर दिया तो वहां थोड़ी कहोगे सुप्रीम कोर्ट अक्विटेड इट कि कोर्ट ने खुद को आ, वहां पे यह काम नहीं होगा कि आपने अक्विट में रट लिया इट लगेगा तो वहां नहीं लगेगा सुप्रीम कोर्ट ने किसको अक्विट किया वो वाली बात हो गई या ऐसे ही बहुत सिंपल सा शब्द है हमारे पास बी बार अब बार के कितने सारे मतलब हमें पता है तो बार तो आपकी चॉकलेट बार भी होती है टीएमटी बार्स भी होती है बार इज ए प्लेस जहां शराब बिकती है बार एसोसिएशन होता है वकीलों का संगठन कोई आपसे कहे यू हैव रेज द बार ऑफ द परफॉर्मेंस यहां बार का मतलब स्टैंडर्ड हो गया यू आर बार्ड फ्रॉम द सर्विसेज बिकॉज यू डेंट पे योर ड्यूज आपने बिल नहीं जमा किया इसलिए आपकी सर्विसेज रोक दी गई हैं यहां पे बार क्या है वर्ब है यू आर बार्ड फ्रॉम द सर्विसेज सो द वन वर्ड जितने मैंने लाइनें लिखी हैं वो बोल दिया मैंने मौखिक बस ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि होमोनिम में जनरली ना शब्द आपको वही मिलते जो बहुत बेसिक है लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि इस बेसिक वर्ड के कितने तरह के मीनिंग से आपका परिचय है जैसे एफ एल टी फ्लैट है तो फ्लैट टायर इज फ्लैट तो हवा निकल गई तुमने एक नया फ्लैट खरीदा वो अपार्टमेंट वाला सेंस हो गया आई एम एपसलूटली फ्लैट ऑन योर परफॉर्मेंस यानी यहां फ्लैट वाले सेंस में आ गया स्पेलिंग तो सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है दिस इज अ फ्लैट रेट हंड्रेड रुपीज इज अ फ्लैट रेट ऑफ पार्किंग मतलब फिक्स रेट है तो वही फ्लैट फिक्स भी है वही फ्लैट इंप्रेस भी है वही फ्लैट अपार्टमेंट भी है और वही फ्लैट है टायर से हवा निकल जाना तो मुश्किल शब्द नहीं होते सवाल पूछने के तरीकों में बदलाव आता है तो होमोनिम के ऊपर चार से पांच तरीकों से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसमें मिलान वाले क्वेश्चन बनते हैं कई बार एक वर्ड की चार डिक्शनरी मीनिंग एक साइड लिख दी जाएगी चार तरह के सेंटेंस दूसरे कॉलम में बना देंगे एंड देन यू हैव टू मैच कि कौन से मीनिंग कौन से सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है एक टाइप ये बन जाता है एक ही वर्ड का इस्तेमाल करके चार सेंटेंस बना दिया आपको पूछ लिया कि आउट ऑफ दीज गिटेंसेज वन इज नॉट भैया किसमें शब्द का सही इस्तेमाल नहीं है तो सही इस्तेमाल का पता होगा तब तो ये बता पाएंगे कि इसमें नहीं है सही फिर इसमें फिलर के क्वेश्चन भी बनते हैं दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे दोनों में एक एक ब्लैंक प्लेस होगा चार वर्ड होंगे पूछ लेंगे कि भाई इन चारों में से एक ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों जगहों पे सूटेबल होगा दोनों जगहों पे सूटेबल होगा तो अब जैसे हमारे जो बैंक वाले भाई लोग हैं उनमें क्या होगा कि भाई बैंक में आरसी के अंदर भी वो ग्रामर Pillars, या इस तरह के वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैं आरसी में भी वो सारी वैरायटी आपको कराऊंगा रीडिंग कॉम्प्रेंशन के अंदर अभी तो सिर्फ वोकैब की बात समझा रहा हूं आपको तो मैंने वही कहा कि इसमें फिलर की भी वराइटी बनती हैं तो देर आर फोर फाइव डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन वो जब हम टॉपिक करेंगे तब अभी आपको सिर्फ परिचय दे रहा हूं थोड़ा उसके बाद आप अगर चलें तो हमारे पास फिर आ जाता है नेक्स्ट फॉरेन एक्सप्रेशंस अब देखो फॉरेन एक्सप्रेशंस अगेन एस एस सी में भी कभी कभार हो सकती मुलाकात हो जाए लेवल अब थोड़ा हो रहा है अदरवाइज बैंक के पेपर में ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछते बट आरसी में कभी कभार हो सकता है पूछ सकते हैं बिकॉज जो लीगल टर्म्स हैं हमारे ना वो जनरली लैटिन भाषा से आते हैं अब जैसे मैं आपको कुछ पूछू कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखू देखता हूं कितने लोगों को पता है ये फॉरन एक्सप्रेशन की बात की जाए जो अखबार में बहुत मिलता है क्विड प्रो को कितने लोगों को पता है मोडस आप Sumo Prima आप अपने आप को टेस्ट कर लें। ये ऐसे शब्द हैं ना जो इवन हिंदी में इस्तेमाल होते हैं लेट अलोन इंग्लिश इंग्लिश को छोड़ दो हिंदी बोलने वाले इवन न्यूज में जब डिस्कशन हो रही होती है ना देन दे यूज दीज वर्ड्स तो हमें पता है या नहीं पता तो पता होने चाहिए तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो आपको पैराग्राफ मिलते हैं आरसी के पैसेजेस मिलते हैं वो भी तो अखबारों से उठाए जाते हैं और उनमें बड़े सारे फॉरेन एक्सप्रेशन होते हैं तो मैं आपको एल्फाबेटिकल ऑर्डर में लैटिन फ्रेंच ग्रीक ये सारे वर्ड जो इंपॉर्टेंट हैं रेलिवेंट हैं जिनसे हमारा हमारी मुलाकात होती है पेपर में ना भी आए तब भी पढ़ने में क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन है ना बात ही नहीं समझ में आती कई बार मान लो क्वेश्चन पूछा नहीं उसके ऊपर बट प्राइमा फेस लिखा हुआ है आरसी के एक पैसेज में एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ तो फिर वहां पर दिक्कत होगी तो यह भी मैं आपको के अंदर ही करा देता हूं क्विड प्रो को बता दूं जो लिखा है क्विड प्रो को का मतलब होता है जहां पे आपके लिए कोई कुछ काम करे और उसके बदले आप भी उसके लिए कुछ काम करें ठीक है उसे क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड क्विड प्रो को मतलब दिस फॉर दैट कोई आपको फायदा पहुंचा रहा है आप उसको फायदा पहुंचा रहे हो क्विड प्रो को का रिलेशनशिप होता है जैसे अभी राहुल गांधी फिर से पार्लियामेंट के अंदर आ गए और वो जो आरोप लगाते हैं फिर अडानी का नाम लेंगे वो तो उनका ये है कि भैया ये इनको फायदा पहुंचाते हैं ये उनको फायदा पहुंचाते हैं उनका विपक्षी पार्टी का क्या आरोप होता है कि ये अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं ये उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं ये फंड करते हैं तो ये जो है क्विड प्रो को का रिलेशनशिप इसी को कहा जाता है मोडस ऑपरान जैसे कोई भी गिरोह जब पकड़ा जाता है आपको वो न्यूज़ मिलती है कि कोई आपराधिक गिरोह है और उसको पकड़ा गया तो वो किस तरह से ऑपरेट करते थे मोड ऑफ ऑपरेशन

स्वतः संज्ञान लेना प्राइमा फेसी इस व्यक्ति को प्राइमा फेसी दोषी पाया गया प्रथम दृष्टिया जिसे कहा जाता प्राइम फेस राइट प्राइमा फेसी यानी बिना तफ्तीश के बिना जांच के जो पहली नजर में आपको नजर आ रहा है वो प्राइमा फेसी है तो ऐसे करीब करीब मैं आपको क्लास के अंदर पचास साठ के करीब इंपॉर्टेंट वर्ड्स कराता हूं जो बहुत कॉमन है जैसे बॉर्न बौ, हमारा रूट वर्ड है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बॉन्जू बॉर्न स्वा बॉर्न वोस बॉर्नापतीत बॉन बिवॉन बड़े सारे शब्द हैं फ्रेंच वर्ड्स बहुत सारे आते हैं तो ये सब भी करेंगे फॉरेन एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा ज्ञान थोड़ा सा और उसके बाद आती है बात किसकी आरसी की तो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी समझा दूं देखिए आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसको मैं रॉयल चैलेंज भी बोलता हूं बिकॉज हम में से ज्यादातर लोगों के लिए चैलेंज होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक की अगर एक नॉर्मल सी बात आप देखें तो आपको यह नजर आता है कि दिस इज समथिंग जो कि हमें छठी क्लास से पूछा जा रहा है स्कूल्स में अनसीन पैसेजेस आपको मिलते हैं ये सर नो छठी सातवीं क्लास से चल रहा है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो लगातार इससे मुलाकात हो रही है और अगर आप थोड़ा बहुत ट्रैक रखते हैं जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं तो मैं आपको पता भी होगा नहीं तो मैं भी आपको बता दूं कि जैसे जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के डिफिकल्टी लेवल में बढ़त होती है यानी डिफिकल्ट एग्जाम्स की तरफ आप जाएंगे जहां पर अंग्रेजी पूछी जाती है तो वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं जैसे अभी आपने देखा एस एस सी बी सी तरफ जा रहा है अब दो सौ से पैंतालीस पे है और पैंतालीस में से छत्तीस के करीब क्वेश्चन आपके और कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेस्ड है आप कैट का पेपर उठाकर कि ग्रामर का क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं सालों साल आरसी के पैसेजेस हैं है आउट वन है पैरा कंप्लीशन है समरी राइटिंग है, है पूरा पेपर ही पैराग्राफ पैराग्राफ अब समवन हु इज गोइंग टू है उससे तो इतनी उम्मीद करी जाएगी ना उसको इज एम आर है पता है जबकि हमारी सरकारी एग्जाम जो है जो मास एग्जाम्स है मासी लेवल पे जो होते हैं इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही लगता है कि इट्स ऑल अबाउट मगिंग अप द ग्रामर रूल्स लेकिन पूरी जिंदगी स्कूल कॉलेज में स्कूल में पढ़ने के बाद और यहां भी पढ़ने के बाद फिर भी सही ना लिखना आ पाता है ना बोलना आ पाता है जब अभी फाउंडेशन बैच अभी शुरू हुआ मेरा चौबीस तारीख को सेंटेंस लिखने के लिए बोलो कोई बात समझाओ एग्जाम्पल के लिए बोलो वहां सब्जेक्ट वर्ब तक नहीं लगा पाते सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे उसमें एस लिखना भूल जाएंगे आई के साथ बिलोंग्स लिख देंगे तो कौन सी पढ़ाई करी है हमने ऐसा तो नहीं पहली बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पहले भी पढ़े होंगे आप बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये है ना कि अगर हम रूल रट के पढ़ रहे हैं हमें लगता है कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट मगिंग ऑफ ग्रामर रूल्स ग्रामर इज नथिंग बट द मैथमेटिक्स ऑफ लैंग्वेज वो साइंस है भैया पूरा ढंग से समझोगे उसको क्योंकि ग्रामर की जरूरत पड़ती है सेंटेंस को समझने में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एस ने बड़ा बड़ा लिखा इस बार आपको स्ट्रक्चर कैसे क्लियर होगा अगर आपको फ्रेज की समझ नहीं है क्लॉज की समझ नहीं है एक लंबे सेंटेंस को आप कैसे ब्रेक कर पाएंगे आपने देखो देखा छोटा सा सेंटेंस भी दिया मैंने टाइम रहेगा तो उसके ऊपर बात करेंगे हम अभी हमारी तो ये हालात है ना पैराग्राफ छोड़ो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करें सबसे पहले बात आती है रीडिंग की कितने लोग रीडिंग कर पाते हैं पता हम सभी को है कि वी शुड रीड कहा जाता होगा बेटा न्यूज पढ़िए आपको भी पता है कि अंग्रेजी के पेपर में इंग्लिश के सेक्शन में जो भी आएगा क्वेश्चन टाइप वो अखबारों से आएगा बट स्टिल वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन रीडिंग न्यूज पेपर्स आर मैगजीन्स आर नॉवल्स इफ आई आस्क क्यूकी हाथ खड़ा करो हाउ मेनी ऑफ यू रीड न्यूज पेपर्स रिलीजियसली एंड रेगुलरली हाथ बहुत कम खड़े होंगे पढ़ना शुरू करते हैं नया नया जोश आता है दस दिन पढ़ा उसके बाद वो रखना शुरू कर देते हैं मन नहीं करता पढ़ने का क्यों नहीं करता वॉट्स द रीजन कि भाई जैसे पैराग्राफ शुरू किया पहली पैराग्राफ में पांच वर्ड ऐसे हैं जिनका मतलब नहीं पता पहली चार लाइन में पांच वर्ड मिल गया कई बार नहीं पता होता मतलब तो मन आपका खराब हो जाता है

अब इस मासूम मन को इस पल्ले ही नहीं पड़ रहा ये स्ट्रक्चर पढ़ तो लिया उसने नाउन प्रोनाउन वर्ब वर्ब बट स्टिल इफ समवन इज सेइंग दैट भाई आइडेंटिफाई करो इसमें कौन सा वर्ड नाउन है कौन सा एडजेक्टिव है अपन वो भी नहीं कर पाते तो कहां से समझ में आएगी बात तो इसीलिए मैं कोई भी बैच शुरू करता हूं अभी जैसे इंग्लिश स्पेशल बैच शुरू हुआ है पहले ग्रामर फाउंडेशन और वोकैब फाउंडेशन कराता हूं उसके बाद नाउन से शुरू करता हूं तब चैप्टर की बारी आती है मेरे साथ ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर शुरू हो जाएगा पहले मिट्टी बुरबुरी करो भाई नाउन प्रोनाउन तो पढ़ी रहे हो बचपन से समझ में तब भी नहीं आता पहचान तब भी नहीं पाती तो हमें जब कहा जा रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी रीड करके समझना है तो पहले रीडिंग तो हो रीडिंग में जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर तो किया जाए वो कैबलरी की समझ बढ़ाई जाए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझा जाए कि भाई ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है उसके बीच में सब्जेक्ट के बारे में कहानी लिखी है सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं

वो ये थे वो ये थे राष्ट्रपति बनने से पहले वो यहाँ पढ़ाते थे यहाँ प्रोफेसर थे क्या करना है उसका जो उन्होंने कहा है वो इंपॉर्टेंट बात है उनका जीवन परिचय इंपॉर्टेंट नहीं है अनलेस जीवन परिचय पे कोई सवाल पूछ दे और आपको भी पता है कि इस लेवल पे कोई ये तो नहीं पूछेगा कि अच्छा हों वो कहाँ के राजा थे छठी क्लास का पेपर तो है नहीं कि राजा के घोड़े का नाम क्या था राजधानी कहाँ थी कि आप शिकारी निगाहों से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर ढूंढ कर टिक कर लो यहाँ तो क्वेश्चन मिलेगा व्हाट इज द सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज आरसी में कहीं जवाब लिखा है क्या है इसका वॉट इज दूटेबल टाइटल उपयुक्त शीर्षक क्या है What is the purpose of the author? कहीं लिखा है? टोन ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन टाइप्स और जैसे जैसे जैसे-जैसे मैंने क्या कहा कि ऊपर जाएंगे आप एग्जाम में आरसी पूछी जाती है और उसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी क्योंकि जो एक अधिकारी बनने जा रहा है क्या वो इसको पढ़ करके समझ करके एनालाइज करके काम की बात सेलेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है या खो जा रहा है बहक जा रहा है क्योंकि तो हमें तो कोई पैराग्राफ पढ़ने को मिलता है ना तो उसमें चालीस परसेंट बात पल्ले पड़ती है साठ परसेंट बात पल्ले पड़ती ही नहीं और वो चालीस परसेंट इसलिए बात पल्ले पड़ी है बिकॉज वो अपने दिल के तारों में झंकार पैदा करती है हमें लगता है यही तो मैं भी सोचता हूं क्या बात है ऑथर ने क्या बात लिखी है अरे उसने कुछ और भी लिखा था लेकिन हम वहीं पर क्लाउडेड हो जाते हैं और फिर अपने रंगीन चश्मे से पैराग्राफ को देखते हैं और फिर आरसी में क्वेश्चन गलत करके आते हैं हमारी तो रियलिटी है ना ये अभी किसी क्वेश्चन में जब क्लास में भी पूछूंगा आपको पढ़ाते समय कि भैया बताओ क्या आंसर है तो कुछ ए कुछ बी कुछ सी कुछ डी के साथ जाते हैं जबकि जो पेपर सेट करने वाला वो भी एक इंसान है उसने एक पैराग्राफ उठाया न्यूज से उस पैराग्राफ के ऊपर उसने एक क्वेश्चन सेट किया उस क्वेश्चन के चार ऑप्शन बनाए और डेफिनेटली चार में से तीन गलत है एक सही है और अगर हमें किसी भी तरह से ये डायनेमिक समझ में आ जाए कि वो तीन गलत ऑप्शंस बनाए कैसे जाते हैं कैसे वो हमारे दिमाग को चूना लगा जाता है तो फिर आपका चूना नहीं लगेगा जो आप मेरे साथ यहां पे सीखेंगे ट इज द डायनामिक्स कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं टेक्निकल आस्पेक्ट तो अब मैं थोड़ा रुकूंगा जितनी बातें अभी बोली हैं पिछले पांच मिनट में वो सारी बातें सही हैं या नहीं है आपके एक्सपीरियंस में बताइए पहले तब आगे क्या ज्ञान जहां गलत हो बताइए कि हाँ सर यहां आप गलत बोल रहे हैं ये बात नहीं है अदरवाइज जो हमारी दिक्कतें हैं मैंने वही बोली है कि नहीं बोली है आपके लिए मैं ऊपर वाला फर्जी ज्ञान नहीं देता बेटा पढ़ा करो न्यूज पढ़ना चाहिए मैं लिस्ट बता दूं तुम्हें आपकी ये दिक्कतें और उसमें ये बैरियर का काम करता है वो कैब की समझ नहीं आती कई बार जार्गन समझ नहीं आते कई बार जैसे मैंने कहा एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हैं लेयर में अब आपको मीनिंग नहीं मिलता तो आप डिक्शनरी में जाते हो ढूंढते भी हिंदी मीनिंग लिखेंगे कुछ मेहनती बच्चे अखबार में ना वहीं पर वर्ड के साथ हिंदी मीनिंग पेंसिल से लिखेंगे फिर कहेंगे सर वो हिंदी मीनिंग लिखने के बाद भी समझ में नहीं आता वो लाइन क्या कहना चाहती है तो भैया उसमें भी बड़ी जल्दबाजी है, है हमें उसमें जल्दबाजी ये है कि गूगल किया वर्ड डाला जो ऊपर हिंदी में लिखा वही वहां चेप दिया आपने अरे भाई एक वर्ड के चार पांच मीनिंग्स हैं थोड़ा कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाकर के थोड़ी गहराई में चले जाओ शायद चौथा मीनिंग फाउंडर क्या लग रहा है आपको फाउंडर पहला ही मीनिंग मिल जाएगा क्या असफल होना या नाव का पानी भरने की वजह से डूब जाना ये नहीं मिलेगा ये तीसरे चौथे मीनिंग में लिखा होगा नीचे क्लास के बाद कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डालना ये वर्ड और ढूंढना तो तरीके जब तक आपके सही नहीं होंगे आप यहां पे इलाज के लिए आए कि सत्यन्द्र सर हमारी वोकैबलरी कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करेंगे मेरा स्कोर इंप्रूव होगा सरकारी नौकरी का मेरा सपना पूरा होगा मैं बिल्कुल वही चाहता हूं लेकिन इलाज से पहले बीमारी का तो पता लगे मीठी गोली थोड़ी देने आया हूँ यहां पे तो बीमारी ये, ये दिक्कतें हैं हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल देते हैं रीडिंग में बैरियर भैया वोकैबलरी और कॉम्प्र और ग्रामर है पहले तो इसीलिए क्रिटिकल रीडिंग भी मैंने सिलेबस में लिखा है वो भी आपको सिखाऊंगा तो खैर आरसी में जितनी बातें मैंने बोली हैं वो सब कुछ होगा यहाँ पे आप मेरे साथ क्रिटिकल रीडिंग कैसे की जाती है कैसे कम समय में काम की बातें निकाली जाती हैं कैसे मुश्किल बात को आसान किया जाता है वो भी समझेंगे आप मेरे साथ टोन की पूरी लिस्ट को समझेंगे टोन्स कितने तरह की होती हैं बिकॉज इसमें जब ऑप्शन आते हैं ना पेपर्स में चार ऑप्शन दे दिए डाइडेक्टिक पिडेंटिक पेडागोजिक सार्डोनिक अपन को मतलब ही नहीं पता चारों वर्ड के तो कहाँ से ढूंढोगे आप तो ये पूरी जो लिस्ट है टोन्स की तीस पैंतीस वर्ड्स जो बार बार पूछे जाते हैं एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा उनके एग्जाम्पल के साथ फिर आती है बात राइटिंग स्टाइल की अब राइटिंग स्टाइल जैसी चीज डेफिनेटली इस लेवल की गहराई के कंटेंट नहीं दिए जाते इस बैंकिंग के लिए बिकॉज बट आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर विद कैट एंड जी मैट थिंग्स तो डेफिनेटली ये जो नॉलेज बेस है ये आपके लिए है तभी कॉम्प्रिहेंशन बैच लेके आया था तो ये जो चीज है ना राइटिंग स्टाइल इसकी समझ भी बहुत जरूरी है बिकॉज देखो अब जैसे आपको अगर कवर लेटर लिखना है ई में तो उसकी राइटिंग स्टाइल अलग होगी ना सपोज आप एक सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं अब उसमें ई में आपने अटैच करना है क्या अपनी सी तो आप ये तो नहीं कर सकते डियर सर मैडम पी एफ ए प्लीज फाइंड अटैच तो प्लीज़ फाइंड अटैच से वो खोलेंगे भी नहीं आजकल तो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपको कभी नौकरी no नहीं मिलने वाली बट अगर आप एक कवर लेटर लिखना जानते हैं कवर लेटर का पर्पस क्या है कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जब वहां का कोई एग्जीक्यूटिव उस मेल को पहले पढ़े तो वो इतना आपसे इंप्रेस हो जाए कि वो आपकी अटैचमेंट खोल के देखे अच्छा भैया कौन सा कैंडिडेट है अब कवर लेटर आप कैसे लिखेंगे जो उस पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट है जिस तरह के स्किल्स चाहिए जिस तरह का कैंडिडेट उनको चाहिए अगर आपके कवर लेटर में आप ये बता पाए कि यस द काइंड ऑफ स्किल्स यू नीड आई हैव हैव दो स्किल्स आई दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस देन यू विल बी राइट कवर तो लेटर कैसे लिखा जाएगा राइटिंग स्टाइल अब न्यूज पेपर है अब न्यूज पेपर अब में जो न्यूज स्टोरी है वो कैसी लिखी जाती है वो एक्सपोजिटरी होती है एक छोटी सी घटना का विवरण एक्सपोज किया जाता है उसको बताया जाएगा कोई घटना भी घट गई किसी ने किसी को गोली मार दी इस चौराहे पे पहुंचा एक गाड़ी आके रुकी रेड लाइट था दो लोग वहां से निकले इतने बोर का पिस्टल था इसको गोली मारी भाग गए इधर भागे गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट छोटी घटना बट उसमें चीजें जाएंगी वहीं अगर कोई पोएट है कवि है फिक्शन राइटिंग वाले लोग हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में लिखते हैं पूरा हॉलीवुड डिस्क्रिप्टिव स्टाइल पर तो कमा गया ये सब तो फंतासी दुनिया है फैंटेसी तो है सारे हमारे मैन स्पाइडर मैन और बैटमैन और फलाना मैन ढमकाना मैन ये सब क्या है सब किसी आदमी के दिमाग की उपज है कि स्पाइडरमैन ऐसे कपड़ा पहनेगा बैटमैन की गाड़ी ऐसे होगी तो ये डिस्क्रिप्टिव है इसमें बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ता है आपको कवियों को देखें आप कितनी डिटेलिंग में जाते हैं तो तेरी झील सी गहरी आंखें काली घटाओं सी जुल्फें और पता नहीं क्या क्या नो तो उसमें डिस्क्रिप्शन बहुत आएगा तो डिस्क्रिप्शन में डिटेलिंग तो होती है लेकिन साथ ही साथ सेंसरी डिटेल्स डाली जाती हैं जैसे आपने अगर ये मिश्रा जी जो है हमारे नीलेष मिश्रा जो कहानियां सुनाते हैं स्टोरी टेलर हैं एफएम पे उनकी स्टोरीज आती हैं दसियों साल से आ रही है बारह पंद्रह साल हो गए अगर आपने कभी सुनी है नीलेश मिश्रा जी की कहानियां या किसी भी अच्छे स्टोरी टेलर की तो जब वो एक कहानी सुना रहा होता है ना देन यू आर एब्सोल्यूटली इंटैक्ट यू आर सिटिंग ऑन द एज ऑफ योर चेयर वो आपको बांध के रखता है आप हॉरर फिल्म देखते हो बैठते हो कि नहीं इस चेयर के बिल्कुल एज पे वो उसकी राइटिंग में वो जोर है आपको पता है ये फिल्म है बट स्टिल अब दरवाजा खोलना इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन बट अगर एक फिल्म राइटर लिख रहा है तो अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना वो तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि दरवाजा खुला दरवाजा कैसे खुला हॉरर फिल्म है धीरे धीरे खुलेगा चू लाइटिंग होगी साउंड कैसा होगा अंधेरा है जैसे दरवाजा खुल रहा है वैसे लाइट आ रही है वहीं पर सीआईडी का दया दरवाजा खोल रहा है तो वो कैसे खोलेगा धाड़ से जाके तोड़ दिया तो दरवाजा खोलना इज जस्ट मेयर मेरा इन्फॉर्मेशन बट हाउ दैट एक्शन इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड दैट विल बी डिपिक्टेड बाय दिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव राइटिंग दैट क्रिएट्स दैट हॉरर कॉमेडी दिस एंड दैट तो उसमें सेंसरी डिटेल्स आ जाते हैं। आपको फिल्म रुला जाती है, आपको फिल्म जाती है बैठे बैठे और उस राइटिंग को किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया लाइट साउंड एवरीथिंग दैट क्रिएट्स दैट एन इंपैक्ट एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की भाषा कैसी है बायोग्राफी है. पढ़ रहे हो किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हो वो क्या होगी वो नैरेटिव स्टाइल होगी तो हमें यहां पे आप मेरे साथ लैंग्वेज की काफी गहराई तक समझ लेके जाएंगे जो कि आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर करेगी जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते ही हैं तो मैं हमेशा से कराता हूं अपने फाउंडेशन बैच में भी कराता हूं बैंकिंग बैच में भी कराता हूं कॉम्प्रिहेंशन में तो खैर होता ही होता है तो ये गहराई आपको एक अलग लेवल पर लेके जाती है फिर जितने तरह के क्वेश्चन टाइप्स है हमारे उनको किस तरह से टैकल किया जाए क्वेश्चन टाइप्स जैसे मेन आइडिया का जो क्वेश्चन है उसको कैसे टैकल किया जाता है कैसे सूटेबल टाइटल के क्वेश्चन को टैकल किया जाता है एग्जामिनर कैसे सेट करता है तो ये सब सीखोगे आप मेन आइडिया से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि अगर हमें पैराग्राफ का मेन आइडिया समझ में आ जाए जो कि क्रिटिकल रीडिंग से समझ में आता है हर चीज़ कनेक्टेड है पहले क्रिटिकल रीडिंग सिखाऊंगा फिर मेन आइडिया निकालना सिखाऊंगा उसके बाद फिर हम जाते हैं टोन पे राइटिंग स्टाइल पे तो हर एक चीज़ का एक साइंस है आपका दिमाग धीरे धीरे खुलेगा लैंग्वेज को समझने के दिशा में तो ये यह सब यहाँ पे आप

डी ए का एग्जाम है जहां पे भी पैरासम्बल पूछे जाते हैं इनमें मैक्सिमम जो आपको आगे पीछे करके दिए जाते हैं वो चार ही दिए जाते हैं सबको पता है एक टाइप यह है कि पहला और छठा फिक्स कर दिया बीच में चार लाइनें दे दी ओपनिंग एंड कंक्लूडिंग फिक्स है और इन जनरल चार लाइनें दे दी उनको फिक्स कर लो चाहे पी क्यू आर एस कोई भी नाम दे करके तो यह तरीका है अभी जो सीजियल मेन्स का जो लेटेस्ट पैटर्न आया था उसमें थोड़ा सा वेरिएशन उन्होंने ये किया था कि भाई चार लाइनें हैं सीक्वेंस में उसमें थर्ड लाइन गायब कर दी और आपको ये चार ऑप्शन दे दिए कि इन चारों लाइनों में से कौन सी लाइन तीसरे नंबर पे आनी चाहिए या दूसरे नंबर पे आनी चाहिए तो अगेन सीक्वेंस की तो समझ चेक कर रहा है इन जनरल पहले आपको चार लाइनें अरेंज करनी होती थी अब तीन लाइन दे रखी है बीच वाला अरेंज करना है इसी को क्या कहते हैं <laughs> ये जो मेरे कॉम्प्रिहेंशन के स्टूडेंट हैं पहले या बैंक के बैच के हैं इसी को हम सेंटेंस कंप्लीशन कहते हैं पैरा कंप्लीशन सॉरी ये पैरा कंप्लीशन है कि एक पैराग्राफ की तीन तरह से कंप्लीट करने का काम दिया जा सकता है ओपनिंग लाइन गायब कर दो ट्रांजिटरी लाइन गायब कर दो और कंक्लूडिंग लाइन गायब कर दो कई लोगों को ये लगता है कि पैरा कंप्लीशन का मतलब आखिरी लाइन गायब होगी और उसमें पूछ लेंगे कि कि भैया कौन सी लाइन लास्ट में लाओ कि ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए तो ऐसा नहीं होता मतलब ये भी ये ये तो ही है ही ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बैंक के बैच में मैं कराता सारी चीजें ओपनिंग लाइन भी गायब हो सकती है पहली लाइन गायब कर दी बाद की चार लाइनें लिखी हैं चार ऑप्शन दे दिया कौन सा इसमें ओपनिंग लाइन होगा तो वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि जो पेपर लिखने वाला है क्या उसको पता है क्या कि इस लाइन की योग्यता ओपनिंग लाइन की है जो आप ओपनिंग लाइन लिखते हैं जो पहला सेंटेंस होता है वही डेफिनेटली आप उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ट्रांजिटरी भी हो सकता है यानी शुरू की दो लाइन दी है लास्ट की दो लाइन दी है बीच की एक लाइन गायब कर दी तो जो आप बीच में चूज करोगे वो अपने पहले वाले दोनों के सिंक में होनी चाहिए और बाद के दोनों के पहले आनी चाहिए तो अगेन वही सेंटेंसेस की अरेंजमेंट की आपको समझ कितनी है तो पैरासम्बल्स में बहुत डिटेल्ड ज्ञान खासतौर से मैंडेटरी पेयर बनाने के लिए वो आपको यहां पे मिलेगा और डेफिनेटली uh, लेवल जो है वो चार सेंटेंस से शुरू होकर इवन वो तो मैं अपने नॉर्मल फाउंडेशन बैच में भी ये चीज़ें कवर करता हूँ लेके जाता हूँ आपको बैंकिंग और कैट के लेवल तक भी तो हम चार सेंटेंस पांच सेंटेंस वाले पे प्रैक्टिस खूब करेंगे ही इनके प्रीवियस ईयर्स भी जो ज़्यादा पुराने नहीं पिछले दो तीन सालों के हैं आपके सी एच एस एल स्टेनो उनमें से अच्छे क्वेश्चन मैंने सब शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं वो आपको टॉपिक वाइज मिलता रहेगा तो एकदम ग्रेडेड पैटर्न में पहले बेसिक लेवल फिर थोड़े अच्छे और फिर सबसे अच्छे टाइप में और सबसे अच्छे में हम डेफिनेटली जाते हैं बैंकिंग और मैनेजमेंट लेवल के क्वेश्चन पे क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि ये सिर्फ एस एस सी बैच नहीं है कोई भी एग्जाम देखोगे ये चीज पूछी जाती है और लेवल अगर अच्छे लेवल तक आप पहुंचे हो और नीचे लेवल से ऊपर तक पहुंचे हो ऐसा तो नहीं जंप करके सीधा ऊपर पहुंच जाओगे आप तो डेफिनेटली जिन भी एग्जाम्स को खास तौर से जो एस वाले हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी ठीक है तो पैरासम्बल्स भी हो गया उसके बाद बात करी जाए फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट की तो इनके कॉन्सेप्ट की चर्चा मैं एक साथ करता हूं क्योंकि दो, इस दोनों क्वेश्चन टाइप के अंदर टेस्ट क्या होता है यहां पे आपकी रीडिंग प्रोवेस टेस्ट होती है रीडिंग रीडिंग प्रोवेस यानी स्किल्स ताकत और दूसरी चीज आपकी वो कैब स्किल्स यूज होती है दोनों में मैंने स्किल शब्द का इस्तेमाल किया रीडिंग स्किल्स का मतलब कि जो रीड कर रहे हो उसको समझना तो पड़ेगा ना भाई ब्लैंक प्लेस दिया गया है

तो so, हर एक चीज का तरीका है तो ग्रामेटिकल हेल्प कैसे लेते हैं उसके बाद कॉनोटेशन की हेल्प कैसे लेते हैं अब अगर कोई मान लो ये लिखा हुआ है कि आई एम आई एम इंप्रेस्ड बायोर बिहेवियर और वहां चाइल्ड और चाइल्ड लाइक -like लिखा है तो आपको पता है कि सामने वाला इंप्रेस्ड है इसका मतलब ब्लैंक प्लेस में बिहेवियर से पहले पॉजिटिव वर्ड चाहिए और पॉजिटिव वर्ड चाइल्ड लाइक है यानी बच्चे की तरह इनोसेंट लेकिन वहीं पे अगर लिखा है आई एम इरिटेटेड बाय योर बिहेवियर तो वहां पे क्वेश्चन ही क्या बयां कर रहा है कि तुम्हें चाहिए, चाहिए वहाँ पे. का behavior, वो हेल्प तो पकड़ने नहीं आती फिर कॉलोकेशन ग्रामेटिकल कॉलोकेशन जो है हमारे कॉन्टेक्स कैसे मदद करता है जैसे बहुत बार मैं एग्जाम्पल देता हूं खुद भी दे, दे के थक गया हूं बट हर बार बच्चे नए होते तो हमें उसी ऊर्जा से एग्जाम्पल देना पड़ता है अब जैसे नरसंहार वाली बात है। तो अब आप रट लो कि मैसेकर भी नरसंहार है कार्नेस भी नरसंहार है जेनोसाइड भी नरसंहार है अरे भाई तीन शब्द हैं क्यों बनाए गए हैं तीन शब्द कुछ फर्क जरूर होगा तो नरसंहार तो कॉमन बात है भारी संख्या में लोग मर रहे हैं बट फर्क है कॉन्टेक्स्ट का नाइनटीन सिख जेनोसाइड जब एक कम्युनिटी को टारगेट करके आप उसका सफाया करते हैं एथनिक क्लीजिंग जिसे कहा जाता है वो जेनोसाइड होती है जलियां वाला बाघ हत्याकांड क्या है वो मैसेकर है डिलीवरेट इन डिस्क्रिमिनेट के लिए यानी जानबूझकर बिना भेदभाव के जो आया गोलियों से भून दिया वो है मैसेकर बूढ़े बच्चे जवान और कारनेज है जो ट्रेन एक्सीडेंट प्लेन क्रैश यानी एक्सीडेंटल जो किलिंग्स होती हैं भाई प्लेन क्रैश हुआ ढाई लोग बैठे थे सभी लोग जाएंगे ना उसमें सबकी मौत होगी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ मर गए तीन लोग तो वो क्या है वो वो आपका कारनेज है या जो वॉर किलिंग्स होती हैं जबकि दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है या जहां भी युद्ध हो रहा है वहां पे जो सैनिक मर रहे हैं भाई डेली बेसिस पे मर रहे हैं रशिया यूक्रेन वार हुआ तो वहां पर आप यूज करोगे कारनेस ये नहीं कि तीनों नरसंहार होता है पेपर में ये थोड़ी पूछ रहा है कि इसके तीन पर्यायवाची लिखो दो पर्यायवाची लिखो तो इसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस जो आप मेरे साथ सीखेंगे तो इनसे फिर आपको फिलर्स और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन में एक मास्टरी मिलती है क्योंकि तो आप इसी में तो फंसते हो कि सर चार वर्ड था दो तो बाहर कर लिया सर बट ये दोनों का मतलब तो सिमिलर ही है ना सर कैसे चूज करूं तो वही कैसे का जवाब मैं देता हूं हमेशा क्यों और कैसे मेरी क्लास का यही हॉलमार्क होता है वाई वाई सबसे पहले जरूरी है क्यों ऐसे करना है तो क्यों ऐसे करना बिकॉज एग्जाम में यही तो मिलेगा अब कई बार कहते हैं क्लोजेस्ट सिनोनिम चारों ऑप्शन सब सिनोनिम लग रहे होते हैं कौन सा क्लोजेस्ट है कौन उस पर्टिकुलर वर्ड का बिल्कुल क्लोजेस्ट है उसके साथ का है सिनोनिम तो बीस वर्ड हो सकता है पर्यावाची के रूप में इवन आप थिसोरस डॉट कॉम खोलते भी हो तो वहां भी एक वर्ड का अगर पंद्रह सिनोनिम है तो कलर कोडिंग होती है कि भैया ये क्लोजेस्ट है ये दूर का ये सबसे दूर का है हम रट लेते हैं सब अरे इंग्लिश में कभी भी दो शब्द सेम नहीं होते वो सिमिलर होते हैं अगर सेम होते तो शब्द बनता क्यों फर्क जरूर होगा या तो डिग्री का होगा या कॉनोटेशन का होगा या कॉलोकेशन का होगा या कॉन्टेक्स्ट का होगा बट हमें इन सब चीजों का एक्सपोजर नहीं होता ये टेक्निकल एस्पेक्ट वोकैबुलरी के हैं जो आपको क्वेश्चन में मास्टरी देते हैं हमें बस वोकैब का मतलब होता है कि जी बताओ कहां से रटना है हम रट लेंगे ये रटने से होना होता तो हो गया होता रटी हुई चीज का तो डर हमेशा रहता है कि जो रटा वो भूल जाएगा तो कहां जाऊंगा इसलिए तो फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग तो खैर इनका कॉन्सेप्ट आप करते हैं फिर फिलर्स की जो वैरायटी है अगेन जैसे मैं एसएससी की बात करूं वन ब्लैंक टू ब्लैंक्स यही है हद से हद लेकिन यहां पे अगेन जो हमारे बैंकिंग एक्पिरंट्स हैं उनका भी ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस हम जितनी भी वैरायटीज फिलर्स की बनती हैं बन सकती हैं मैनेजमेंट एग्जाम्स में बैंकिंग एग्जाम्स में वो सब मैं आपको कराता हूं तो आपको बता दू पांच से छह अलग अलग तरीकों से फिलर्स बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं एस इज लिमिटेड जस्ट विद वन ब्लैंक टू ब्लैंक्स टू ब्लैंक्स वो भी मेन्स में जनरली आता है अदरवाइज़ बाकी जगहों पे कई तरह के तीन ब्लैंक्स भी हैं सिनोनिमस पेयर्स बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं हॉमोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जितने तरह के वराइटीज़ है वो सब फिलर्स में करेंगे और क्लोज टेस्ट में भी इसी तरीके से कि भाई मिनिमम तो पांच ब्लैंक होता है आपके पास फाइव ब्लैंक्स सेवन ब्लैंक्स एट ब्लैंक्स बैंकिंग में ब्लैंक्स बढ़ भी जाते हैं सो विल डू ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगेन इन ग्रेडेड पैटर्न बेसिक लेवल थोड़ा इंटरमीडिएट फिर एडवांस लेवल जहाँ पे थोड़ी रीडिंग की समझ और साथ ही साथ वो कैब की समझ भी आपकी यूज़ हो ठीक है तो भाई ये था पूरा परिचय फिलर्स हो गया क्लोज टेस्ट हो गया आरसी हो गया पैरासम्बल समझा दिया डिस्कस कर लिया कितने डिटेल्ड मैनर में चलेंगे हम और सभी टॉपिक में ये मान के चलिए कि डेढ़ सौ के करीब डेढ़ सौ से तो ऊपर ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हंड्रेड फिफ्टी प्लस जैसे ये पैरा जो चार टॉपिक हमारे कॉम्प्रिहेंशन के हैं तो छह सौ क्वेश्चन ये हो गए ऊपर ही जाएगा वैसे मैं कम ही बोल रहा हूँ ज्यादा ही कराऊंगा तो आप मिला के ये चलो कि क्लास में अगर हम टोटल प्रैक्टिस की बात करेंगे इस बैच में क्योंकि इस बैच को खत्म भी करना है ना कोशिश ये रहेगी दो से ढाई महीने के अंदर ये खत्म हो बिकॉज आपका पेपर भी है मेंस का तो प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली होगी क्योंकि टॉपिक कम है लेकिन आपको मैंने एहसास करा दिया आज की क्लास में इतनी बात करके कि काफी कुछ पढ़ने और सीखने को होता है इन टॉपिक्स में ऐसा नहीं कि हल्की चीज है अब आपको पढ़ने ना आए या पढ़ाने ना आए तो एक अलग कहानी होती है बट मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप पढ़ेंगे भी बहुत अपनी इच्छा के साथ और आपको मजा आएगा क्योंकि आपको पूरा डायनेमिक्स समझ आ रहा है अब आज का एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई इसको करके विदा करता हूं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे लिखा है क्वेश्चन क्या लिखा पहले एक सेंटेंस लिखा है हम आरसी की बात कर रहे हैं ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उसमें तो पैराग्राफ आता है मैंने आपको यहां पे एक सेंटेंस दिया है सेंटेंस को पढ़ करके इस सवाल का जवाब देना है यह सवाल का जवाब दो ही हो सकता है या तो यस yes होगा या नो होगा लेकिन यस या नो जवाब देने के लिए आपको ये रीड करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तो एक बार करके देखिए थोड़ा क्या लग रहा है अब देखो आप जो कहोगे मैं पहले ही कर देता हूं क्यों टाइम खराब करें आप कहते हो ना अभी जैसे हमने बात की कि सर हाँ वो कैबलरी बैरियर का काम करता है रीडिंग करके समझ नहीं आता क्योंकि वो कैब नहीं पता होती कौन सा वर्ड नहीं पता है डिनाई का मतलब इनकार करना सबको पता है इनक्लाइंट का मतलब झुकाव होना सबको पता है डिसमिस करने का मतलब खारिज करना सबको पता है यहां पर रिलक्टेंट ये यू लिखा हुआ है इसको यू पढ़िएगा ये。रिलक्टेंट का मतलब आप उस चीज के लिए क्या हैं अनविलिंग हैं। ये भी रिलक्टेंस भी आपने फिजिक्स में पढ़ाई होगा तो वही रिलकटेंस नाउन रिलक्टेंट एडजेक्टिव हो गया फिर भी चलो मैं इसका मतलब लिख देता हूं इसका मतलब अनविलिंग आप वो चीज नहीं चाहते हो और अकेला एक शब्द ऐसा है जो कोई ये कह सकता है कि सर वो कैबल के अकॉर्डिंग मुश्किल है वो है आप फर्स्केट मतलब अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि आप एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम ग्रेजुएट हैं और आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए बाकी सारे शब्दों का मतलब पता होना चाहिए जो नहीं पता हो सकता है वो शायद आप फर्स्केट हो इसका मतलब है हाइड करना छुपाना अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे इसका मतलब नहीं पता नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड रिटन इन दैट सेंटेंस इट्स नॉट अ पैराग्राफ अब अगर मैं आपको एक मिनट का समय देता हूं आप पढ़िए और गुनिए समझने की कोशिश करिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिर मैं आपको समझाता हूं यू हैव अ मिनट फॉर दिस Yes प्रथम मेंस के पहले हो जाएगी आप उसकी टेंशन मत लीजिए मुझे दो दो क्लास सैटरडे क्लास लेनी होगी तो भी ले लूँगा उसकी टेंशन आप मत लो मुझे समझ लो सैटरडे फाइव डेज क्लासेज होती हैं आपकी तो किसी दिन हमारे अगर हमें लग रहा है कि ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो मैंने सैटरडे आपकी बुला ली दो घंटे की क्लास तीन घंटे की क्लास तो उसकी टेंशन मत लीजिए वो हम कर लेंगे थैंक यू श्रवण चलो भाई लगा लिया दिमाग पल्ले नहीं बढ़ रही है बात अब देखो किस इसी को क्रिटिकल रीडिंग कहा जाता है कि कैसे एक सिंपल सी बात को मुश्किल बनाया जाता है अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक जो लिखा है इसको आपको पूछूं तो आपको बात उतनी आसानी तरीके से समझ में नहीं आएगी अब जो नहीं समझ आ रहा उसी की एनालिसिस कर लेते हैं यू डिनाइड दैट आई एम येट टू रीड दिस बुक यू क्या कर रहा है डिनाई कर रहा है यानी यू डिनाई कर रहा है किस बात से आई एम येट टू रीड दिस बुक जो लिखा है उसको एज इट इज लिखो पहले सिंपली एक क्रिटिकल एनालिसिस आई एम येट टू रीड दिस बुक ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं यहां तक लेफ्ट हैंड साइड को अभी वैसे ही रहने दो यू को डिनाइड ही लिखने दो इसको हम अलग शब्दों में और क्या कह सकते हैं अगर मैं ये कहूं कि आई एम येट टू रीड दिस बुक इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने ये किताब अभी तक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है अगर मैं कह रहा हूं आई एम येट टू रीड दिस बुक इसका मतलब नहीं पढ़ी है हाँ या ना आई एम येट टू रीड यानी पढ़ना अभी बाकी है तो इस बात को मैं दूसरे शब्दों में क्या कह सकता हूं कि आई हैवेंट रेड आई हैवेंट मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं इसी बात को दूसरे शब्दों में कह दिया अब जरा ये गणित लगाओ यू डिनाइड यानी तुमने इनकार किया है कि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है तुमने इनकार किया है कि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है तो तुम कह क्या रहे हो जो तुम डिनाई कर रहे हो उसका ऑपोजिट तुम कहोगे तो यू सेड यानी डिनाई का ऑपोजिट सेड हो गया जो तुमने इनकार किया उसके ऑपोजिट बात तुम कहोगे तो एल अगर ऑपोजिट हुआ है तो इसका भी ऑपोजिट हो जाएगा आई हैव नॉट रेड दिस बुक का ऑपोजिट क्या होगा आई हैव रेड दिस बुक ठीक है तो यानी ये जो यू से लेकर के बुक तक लिखा था उसको अगर सिंपल शब्दों में हम कहें तो इसका क्या मतलब है? इफ यू सेट दैट आई हैव रेड दिस बुक अगर तुमने ये कहा कि मैंने ये किताब पढ़ी है तो मैं ये करूंगा देन आई वुड बी इंक्लाइन लेकिन उसने तुम अगर तुमने ये कहा कि मैंने ये किताब पढ़ी है इसको क्या कह के दिया अगर तुमने इस बात से इनकार किया कि मैंने किताब नहीं पढ़ी है अगर तुमने इस बात से इनकार किया कि मैंने किताब नहीं पढ़ी है मैंने किताब नहीं पढ़ी है, तुम इसको इनकार कर रहे हो इसका मतलब तुम कह क्या रहे हो कि मैंने किताब पढ़ी है वही तो है ये लेकिन एग्जामिनर या जब जिसको कहते हैं ना हार्ड टाइट इंग्लिश जब इंग्लिश का लेवल थोड़ा मुश्किल होता है तो वो ऐसे ही होता है कि सिंपल सी बात को थोड़ा कन्वोल्यूटेड फॉर्म में आप तक पहुंचाया जाता है दिमाग की दही करने के लिए अब देखो इसमें हुआ क्या कि इसमें दो नेगेटिव वर्ड थे ना डिनाई का मतलब इनकार करना ये नेगेटिव है Yet to read भी नेगेटिव है यानी तुम्हारा पढ़ना अभी बाकी है जब एक ही क्लॉज के अंदर दो नेगेटिव वर्ड दे दिए गए तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके पूरी बात को पॉजिटिव बना देंगे ये बात पॉजिटिव हो गई दो नेगेटिव दो जहर जहर को काटता है वही वाली बात तो तुम इनकार करते हो कि मैंने नहीं पढ़ी है तो तुम कहते क्या हो तुम्हारे अनुसार मैंने पढ़ी है तो अगर यही बात कह दी जाती तो आपको क्रिटिकल इसकी रीडिंग नहीं करनी पड़ती इसको ब्रेक नहीं करना पड़ता फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता अब आइए आगे देन आई वुड बी इंक्लाइन टू डिसमिस एनी क्लेम तब मेरा झुकाव होगा किसी भी ऐसे क्लेम को खारिज करने के लिए इतनी बात समझ आ रही है जो समझ आ रही है उसको कहा जाता है पैसिव रीडिंग पैसिव रीडिंग का मतलब जो बात आपको पढ़ने के साथ साथ समझ आ जाए एक्टिव रीडिंग या क्रिटिकल रीडिंग वो होती है आसानी से समझ में ना आए पढ़ने के बाद हमें थोड़ा उसको दो बार पढ़ना पड़े तीन बार पढ़ना पड़े एनालाइज करना पड़े इवेलुएट करना पड़े देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट देट सेंटेंस इज ट्राइंग टू से राइट तो जो समझ आ रहा है उस पर हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे अब यहां से देखो दैट के बाद जो लिखा है ना क्लेम है मैं इसी क्लेम को खारिज करना चाहता हूं क्लेम क्या है यू आर रिलकटेंट टू आफ द ट्रुथ अब इसको फर्दर ब्रेक कर दो यू आर रिलक्टेंट यू आर रिलकटेंट किस चीज के लिए टू आफ जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है टू आफ द ट्रुथ देखो अब यू आर रिलकटेंट का मतलब क्या यू आर अनविलिंग तुम नहीं चाहते हो तुम नहीं चाहते हो को हम क्या कह सकते हैं यू डोंट वॉन्ट यू डोंट वॉन्ट ठीक है ये कह सकते हैं और टू ऑफ का क्या मतलब है टू हाइड टू हाइड टू हाइड दुथ ऑफ फर्स्केट का मीनिंग हमने लिखा है अब फिर यहां पे भी वही कहानी है तुम नहीं चाहते हो सच को छुपाना तुम नहीं चाहते हो सच को छुपाना तो तुम चाहते क्या हो सच को बताना इसका भी रिवर्स और उसका भी रिवर्स हो गया यू डोंट वॉन्ट का ऑपोजिट हो गया यू वॉन्ट और टू हाइड का ऑपोजिट क्या हो गया to hide the truth का ऑपोजिट, अब अगर यही बात यहां पे लिखी होती ना कि डिसमिस एनी क्लेम दैट यू वॉन्ट टू टेल द ट्रुथ तो आपके लिए शायद ज्यादा आसान रहता लेकिन यू वॉन्ट टू टेल द ट्रुथ को की जगह पे क्या कह रहा है यू आर फिर सेम कहानी यहां पे भी हुई है इस क्लॉज में भी ये दोनों वर्ड क्या है रिलक्टेंट भी नेगेटिव है अनविलिंग नहीं चाहते हो आप फर्स्ट भी छुपाना है negative है दोनों नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और बात हो गई positive. You want to tell the truth. तो एक ही सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज थे हमारे पास और उन क्लॉजेस के अंदर दो दो नेगेटिव वर्ड थे जिनको कैंसल आउट करके पूरी बात पॉजिटिव हो गई अब जो हमने निचोड़ निकाला है ना उनको यहां पे फिर से लगाएं और आप पूरा सेंटेंस का मतलब समझें तब जाकर के हां और ना का जवाब आएगा तो मुझे लगता है कि इससे काफी गलतफहमी आपकी दूर होगी हम कई बार ना अलग अलग प्रसप्शन लंबा था पैसेज सर अरे मैं आपको एक एक लाइने दूंगा आपको पल्ले नहीं पड़ेंगी पैसेज तो छोड़ दो मैं अगर सेंटेंस कह दूं कि नथिंग इज नाउन एवरीथिंग इज अ वर्ब समझाओगे आप मुझे क्या मतलब है इसका मैं किस भाव से यह बात कह रहा हूं और आपको यह कह दू नथिंग इज नाउन एवरीथिंग इज वर्ब राइट डाउन अ फाइव हंड्रेड वर्ड ऐसे ऑन दिस जो कि आपको कई बार यूपीएससी के एस में आजकल ऐसे ही टॉपिक आ रहे हैं एक दो सालों से वेस्ट तो पल्ले पड़ेगा तब ना जो बेचारा इतना ही सोच पाता नाउन भर तो बचपन से पढ़ा ये क्या हो गया के करें नथिंग इज एवरीथिंग इज वर्ब व्हाट इज दिस तो कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग कहां से बात निकल के आ रही है अब इसको लगा के देखो अगर तुमने ये कहा कि मैंने ये किताब पढ़ी है तब मैं किसी भी ऐसे दावे को खारिज करूंगा कि तुम सच बोलना चाहते हो तुम सच बोलना चाहते हो मैं इस दावे को खारिज कर रहा हूं इसका मतलब तुम बोलते क्या हो मेरे अकॉर्डिंग झूठ फॉल्स स्टेटमेंट बोलते हो तुम और तुमने बोला क्या है कि मैंने ये बुक पढ़ी है लेकिन ये तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा क्योंकि तुम झूठ बोलते हो और जब मुझसे कोई पूछेगा क्या मैंने ये किताब पढ़ी है तो जवाब क्या होगा नो आई डिड नॉट दिस इज द करेक्ट आंसर सूटेबल टाइटल और समरी एंड ऑफ author ये सब तो दूर की बातें हैं वहां तो पूरे पैराग्राफ की होलसम अंडरस्टैंडिंग चाहिए हम तो हां और ना का जवाब नहीं दे सकते अगर हमें एक लाइन समझ में ना आए तो तो जब आप इस लेवल की गहराई के साथ लैंग्वेज पे कमांड बनाएंगे तो फिर आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी को आया ना समझ आ गया सभी को कैसे नो आया या एक बार और समझाऊं? जनरली एक बार में समझ नहीं आता पवन करें कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे भाई मेरे दो ही तो एरियाज हैं बता तो दिया सब और अब तो पूरा पेपर ही यही है तो एक तरह से समझ लो ये सीज़ियल मेंस का ही बैच है बस वो वाला बैच मेरा इसीलिए क्लोज कर दिया कि मैं इसको इस बैच को लेके आऊंगा और ये बाकी तो प्रैक्टिस हो ही रही है आपकी पे ये सेक्शन जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसके ऊपर आप काम करें और इट्स नॉट जस्ट अबाउट अबाउट इट्स ऑल द एग्जाम्स मैंने साफ साफ आज की पूरी क्लास इसीलिए इतना बोला है कोई टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया पढ़ने से पहले की तैयारी है ये एक बार और बता देता हूं जो ये लिखा ये तो समझ में आ गया सभी को हाँ ना ये निचोड़ तो समझ में आ गया ना अब इसी को यहां यहाँ लगा लो यू डिनाइड दैट आई एम येट टू रीड की जगह पर हम क्या कह सकते हैं इफ यू सेड आई हैव रेड दिस बुक अगर तुमने ये कहा कि मैंने ये किताब पढ़ी है तब मेरा झुकाव होगा किसी भी ऐसे दावे को खारिज करने के लिए वो दावा क्या है वो क्लेम क्या है कि तुम सच बोलते हो मैं इस दावे को क्या कर रहा हूं खारिज कर रहा हूं इसका मतलब जो तुम बोलते हो वो तुम झूठ बोलते हो तुमने बोला क्या है कि मैंने ये किताब पढ़ी है ये झूठा स्टेटमेंट है तो इसका उल्टा ही सही होगा उल्टा क्या होगा कि मैंने किताब नहीं पढ़ी है सो दैट इज द रीजन द आंसर विल बी नो ठीक है चलिए सो हाउ वज द एक्सपीरियंस ऑफ टूडेज क्लास फीलिंग चार्ज अप तैयार हो मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए अजय भाई कह रहे हैं एस के लिए है ये बैच बेनिफिशियल भाई लेट में जुड़े हैं आप पूरी कहानी हो गई सीरियस एफ कैट एब्सोल्यूटली रिसअ एप्सल्यूटली बिकॉज इफ यू आर गोइंग फॉर सीरियस सो वहां पे लैंग्वेज पे कमांड काफी चाहिए और लॉट्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट आर डन ये क्वेश्चन भी तो साइकोलॉजी बेस्ड ही था एक ही तो सेंटेंस था वहाँ तो थीमेटिक अप्रिहेंशन टेस्ट है एक टॉपिक पे बोलना है समझना है तो लैंग्वेज पर कमांड आपकी बेहतर होगी भले ही कहते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल सकते हो बट सम हु इज गिविंग एस एस मीनस उसको पता होता है इफ़ यू देर आर गुड कैंडिडेट्स दे आर एब्सिलूटली फ्लुएंट इन देयर स्पीकिंग दे हैव द कॉन्टेंट दे डू नो हाउ टू प्रोजेक्ट दैट कॉन्टेंट इन राइट कॉन्टेक्सट दे हैव बेटर चांसेज सो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी यूसेज ऑफ वोकैबुलरी यू विल गेट टू लर्न अलॉट ओवर हियर ऑल द टेक्निकल अस्पेक्ट ऑफ वोकैब डेवलपमेंट लाइक कॉनोटेशन कॉलोकेशन कॉन्टेक्स डिग्री बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आप रीडिंग में मैंने आपको बता ही दिया कितना कुछ सीखोगे लैंग्वेज की समझ बेहतर होगी तो कोई भी एग्जाम दें ना भी दें बिकॉज इन माई batches लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल्स वो भी बैच में इनरोल्ड होते हैं बहुत सारे वर्किंग लोग होते हैं मेरे बैचेस के अंदर सो द ओनली रीजन इज वॉट बिकॉज वेन यू गो अपू यू नो लैडर आप नौकरी में आप ऊपर जाते हैं तो यू हैव टू हैव दीज स्किल्स बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल इज द पैरामाउंट

और दोनों बैच कंबाइंड है पहले ये दोनों बैचेस अलग अलग आते थे तो जिन लोगों ने वी ओ डी लिया वो जानते हैं तो इसको बिल्कुल आपके लिए इसीलिए एकदम से नॉमिनल फ़ीस में है और इस नॉमिनल फीस के हिसाब से कॉन्टेंट देखोगे तो वो बहुत ऊपर है ठीक है और करियर विल ऐप इज़ नोन फॉर दिस थिंग हम हमेशा क्वालिटी कंटेंट जो है वो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पे देते हैं तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी की बहुत सारे बच्चों की बदली है जो मैंने उसमें भी जिक्र किया था बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन के बाद जो इंटरव्यूज़ देने आए का यही कहना था सर इस चीज़ ने क्योंकि इस तरह का एक्सपोज़र हमारे छोटे शहरों में इस तरह के कंटेंट का कुछ एक्सपोजर नहीं है इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट मगिंग ऑफ ग्रामर रूल्स डेट्स एट बोल देते हैं वो कैब क्या पढ़ाना है तुम तो, तो रट लो किताब में लिखाई है ऐसे वो कैब पर बात होती है वो में क्या पढ़ाने के लिए होता है तो वो कैब में बहुत कुछ पढ़ाने के लिए है पढ़ाने आए और पढ़ा, और उसको दूसरा वाला समझ भी पाए कि क्या उसका डायनामिक्स है तो आप बिल्कुल आसानी से सीखते हैं तो कोई भी चीज़ यहाँ रटनी नहीं है याद नहीं करनी है बहुत आसानी से करेंगे प्यार से करेंगे

बिकॉज रीडिंग की बात कर रहे हैं तो रीडिंग तो करनी पड़ेगी आपको वो सब भी बताऊंगा क्या रीड करना है क्या सुनना है क्या पढ़ना है क्या देखना है ऑल द रिसोर्सेज आई विल टॉक अबाउट इन द कमिंग क्लासेस आज ही सब कुछ नहीं मिल जाएगा आज का पर्पज बस इतना था कि मैं आपको अपने हिसाब से थोड़ा ओरिएंट कर दूँ कि आप मेरे साथ क्या क्या सीखने वाले हैं और किस गहराई से सीखने वाले हैं और ये सीख आपकी तैयारी में आपको किस लेवल तक लेके जा सकती है बहुत धन्यवाद इट वॉज ग्रेट इंटरेक्शन विद यू ऑल लेट्स कैच अप टुमारो थैंक यू